लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। तो लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हुजूर ये बंदा बड़ा गड़बड़ बंदा है, सबके कपड़े मिला देता है, तो आप जो है इस बंदे के लिए कुछ कीजिए, आप अल्लाह की बारगाह में इसकी हलाकत की दुआ कर दी। धोबी अपने मामूल से घर से निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साहिल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साहिल ने दुआ दी, अल्लाह ताला तुझसे आफात समाविया यानी आसमानी आफत से तुझे बचा ले। धोबी ने इस दुआ से बड़ा मुतासर हुआ, एक और रोटी दे दी। उस पर उस साहिल ने दुआ की कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने तीसरी रोटी भी दे दी। उस साहिल ने दुआ की अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। अब एक बड़ा सांप जो है उसकी गठड़ी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि अब उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी। उस सांप की गोया कुदरती ये ड्यूटी लगाई गई थी कि इस धोबी को काटना है। जब धोबी कपड़े लेने के इरादे से उसने गठड़ी के अंदर हाथ डाला तो फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी और वो धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। धोबी को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ऐ रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी, आप तो अल्लाह के नबी हैं, जरा सुनो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को बुलाया, फरमा बताओ तुमने कौन सी भलाई की है। कहता 3 रोटियां थी, तीनों अल्लाह की राह में सदका की, और वो मुझे फकीर जो था वो हाथ उठा उठा कर झोलियां उठा उठा कर दुआएं देता रहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा कि तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। सांप ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे इसको हलाक करने के लिए भेजा था। जब इस धोबी ने साहिल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। लोगों ने बात सुनी, धोबी ने यह बात सुनी, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना गुनाहगार मैं, लोगों को इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की और मुझे आफत से बचा लिया गया। उस धोबी ने तौबा कर ली क्योंकि उस साहिल ने तौबा की भी दुआ की थी। तो पता ये चला, आफतों से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने नाम का भी, बच्चों के नाम का भी, फैमिली के हर हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहे कि या अल्लाह सदके की बरकत से इन बलाओं इन वबाओं से जाना।